जय हिंद साथियों, आज हम लोग आपके परीक्षा में जीवन कौशल की सीरीज लेकर आए हैं, जहां पर आपको सरकारी शिक्षक बनने में सबसे महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाएगा। अगर हम जीवन कौशल की बात करें तो जीवन कौशल आपके परीक्षा में 10 अंक आते हैं और हमारा और आपका पहला ये प्रयास होगा कि हम 10 में 10 अंक लाएं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो इसकी थियोरी है उस थियोरी को कंप्लीट कर लें, उसके बाद इसके आधार पर जो इसके MCQ प्रश्न हैं, जो इसके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनको हम लोग क्रमवार रूप से एक एक करके हल करेंगे। क्योंकि एक बार थियोरी पढ़ने के बाद हमारे मन में आपके सामने जो प्रश्न आते हैं उन्हें हल करने की स्पीड बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम थियोरी पढ़ लेते हैं। अगर आपने ऑनलाइन क्लास से जुड़े होंगे लर्निंग विद दुर्गेश से, तो आपको क्रमवार रूप से मिल रही होगी और ये नोट्स के आधार पर आपके सामने एक संपूर्ण व्याख्या की सीरीज है। क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशित और राष्ट्रहित में है। कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, जो चीज़ें आपको महत्वपूर्ण लगेगी उसे आप लिखते चलिएगा। बाकी यह वीडियो अपने सभी साथी मित्रों तक पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि परीक्षा कठिन होती जा रही है, नौकरी कठिन होती जा रही है, लेकिन आपकी मेहनत उसे और सरल कर देगी। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है शिक्षक की भूमिका। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज के टॉपिक का नाम है शिक्षक की भूमिका। आइए देखते हैं शिक्षक की क्या क्या प्रमुख भूमिकाएं होती हैं। पहला, शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। जो शिक्षक है इसे राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि शिक्षक कई प्रकार अपने विद्यार्थियों पर दीर्घकालीन प्रभाव डालता है। याद रहे, जैसे मैं ये बार बार कहता हूँ, मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, आज वही बात आपके सामने आ रही है कि आप एक राष्ट्र निर्माता है, क्योंकि आप बेसिक उन ननिहालों के पढ़ाने के लिए जा रहे हैं जिन पे हमारा भारत, जिन पर हमारा उत्तर प्रदेश टिका हुआ है, और आपके सरकारी शिक्षक बनने में यह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और आपके जो राष्ट्र निर्माता की है ये सबसे प्रभावशाली कदम होगा, क्योंकि जो प्राय अभ्यर्थी होते हैं, प्राय शिक्षक होते हैं, वो अपने अध्यापकों की रूपरेखा, अपने अध्यापकों के नक्शे कदम पर चलते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, यह चीज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है। आगे पढ़ेंगे, अगली टॉपिक है आपके सामने दिख रहा होगा कि शिक्षक बहुआयामी भूमिका होती है, उसे विद्यार्थियों कई रूपों में देख सकते हैं। जैसे शिक्षक की जो भूमिका होती है वो बहुआयामी होती है, उसमें जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, उसे कई रूप में देख सकते हैं। जैसे कि वो प्राय क्या करते हैं, अपने शिक्षकों को अनुसरण करते हैं, वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि शिक्षक को हम कैसे कॉपी करें, और शिक्षक के हाव भाव, बोलने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, और कितना लगनशील है, कितना मेहनती है, इन सभी बातों को फोकस करता है एक हमारा अभ्यर्थी, एक हमारा बालक बच्चा, जिसके आप शिक्षक बनेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। कह रहा है हम शिक्षक की प्रमुख 5 भूमिकाओं के बारे में जानेंगे। आज हम शिक्षक के 5 प्रमुख भूमिकाओं के बारे में जानेंगे, जहां से आपके परीक्षा में सीधे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि यह सीरीज आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, वैसे अगर आपने ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स प्राप्त कर लिए होंगे तो इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं आपने नोट्स लिया है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट करते चलिए। हम आगे देखेंगे कि अब हम यहाँ पे कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो अगर हम अध्ययन के दृष्टिकोण से देखें तो शिक्षक की 5 प्रमुख महत्वपूर्ण अगर हम देखें भूमिका होती है, उन भूमिकाओं की बात करें तो पहला होता है सुविधा प्रदाता के रूप में। माने शिक्षक अपने बच्चों के लिए, अपने अभ्यर्थियों के लिए, अपने शिक्षार्थियों के लिए किस प्रकार एक सुविधा प्रदाता के रूप में प्रदर्शित करता है, कैसे उनके लिए एक सुविधा प्रदाता होता है। दूसरा, शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में। माने शिक्षक अपने शिक्षार्थियों का, अपने बच्चों का कैसे मार्गदर्शन करता है। दूसरा, उन सभी बच्चों का कैसे नेतृत्व करता है। माने शिक्षक का यह भी कर्तव्य होगा कि वह बच्चों का नेतृत्व करे, तो नेतृत्व किस तरह से करेगा यह भी यहाँ पर एक सवाल आपके लिए आएगा। इसके बारे में भी ढेर सारे की पॉइंट है जो हम लोग क्रमवार रूप से एक एक करके पढ़ेंगे। फिर आता है परामर्शदाता के रूप में। माने शिक्षक की भूमिका परामर्शदाता के रूप में कैसे है। फिर अगली हेडिंग आती है अनुसरणकर्ता के रूप में। माने हमने 5 प्रमुख हेडिंग को पढ़ना, इनके अंदर भी छोटी छोटी हेडिंग होगी, छोटी छोटी सब हेडिंग होगी, यहाँ से परीक्षा में आपके सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया, एक बार आप लोगों ने जान लिया, तो कहीं ना कहीं यह आपके लिए काफ़ी सिलेक्शन में मददगार होगा। चलते हैं हम आगे, इसके स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अब हम लोग पहली हेडिंग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इसके प्रमुख तथ्य को जानेंगे। आपको एक एक करके हम चीज़ें समझाते चलेंगे ताकि समझना आपके लिए बेहद आसान हो जाए। आपके सामने आता है कुछ प्रमुख बिंदु, उन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं जहाँ से परीक्षा में सवाल आता है कि शिक्षक का केंद्रीय घटक क्या होता है। विद्यार्थी होता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं
छात्र होता है, हम कह सकते हैं बालक होता है, तो यह उसका क्या होगा, एक केंद्रीय घटक होता है। माने पूरी शिक्षा प्रणाली हम देखें, क्योंकि हम ऐसे ही बाल केंद्रित शिक्षा की बात करेंगे, आप बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन जिसकी पूरी केंद्रीय घटक है उसके मध्य में बालक और छात्र होता है। आगे हम देखेंगे खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। खेल जो है ये बालक की जन्मजात स्वाभाविक एक प्रवृत्ति होती है। ये किसने कहा था? मैकडूगल ने कहा था। तो ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में जब पूछा जाता है इसका उत्तर हूबहू आपको यही मिलेगा। इसलिए जो भी मेरे प्यारे साथी इस देश के निर्माता एक सरकारी शिक्षक बनने का सपना सजोए हैं, इनको ध्यान से पढ़ लें, यहाँ पर कोई गलती ना करें, यहां तक कि किसी प्रकार की गलती ना करें। हम आगे बात करते हैं, तो हमने ये देखा कि अगर शिक्षक अगर शिक्षक या अभिभावक बालकों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करे तो बालक उनके व्यवहार का अनुकरण कर सीख जाता है। ये किसने कहा था? ये जेबी सीयर्स ने कहा था, हो सकता है पीछे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैं बता रहा हूं जेबी सीयर्स ने कहा था। किसने कहा था? जेबी सीयर्स ने कहा था कि अगर शिक्षक या अभिभावक बालक से बच्चों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करे तो बालक उनके व्यवहार का अनुकरण सीख जाता है। ये किसने कहा था? जेबी सीयर्स ने कहा था। आगे हम देखते हैं द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस पुस्तक किसने लिखा? तो जेबी सीयर्स ने लिखा था। द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस पुस्तक किसने लिखा? तो जेबी सीयर्स ने लिखा था। तो आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, और वैसे अगर आपके पास नोट्स होगा तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। वैसे ई लर्निंग पे दुर्गेश के ऐप पे जाएंगे, वहां पे आपको इसकी नोट्स भी मिल जाएगी। हम चलते हैं, अब एक एक क्रम में पढ़ेंगे। पहला हमारा हेडिंग होगा शिक्षक एक क्या है, सुविधा प्रदाता के रूप में। पहली हेडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो आया आपके सामने पहली बड़ी हेडिंग कि शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में। अगर आप मेरे साथ जुड़कर पढ़ रहे हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, चाहे फेसबुक पेज हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे आप इंस्टाग्राम जहां भी पढ़ रहे हैं, चाहे ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पे पढ़ रहे हैं, ये मेरी क्लास आपको जहां भी मिलेगी, देशहित में, राष्ट्रहित में, निःशुल्क, क्योंकि मेरे पास जो समय बचा है मैं ये चाहूंगा इसका सदुपयोग हो और आप भी इसका प्रयोग करके अपने परिवार, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। अब हम यहाँ बात करेंगे कि शिक्षक एक सुविधा प्रदाता कैसे होता है, इसके सभी जो मुख्य बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि परीक्षा में यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं। शिक्षक को संसाधन संपन्न माना जाता है, जैसे शिक्षक को, जैसे आप ही हमें संसाधन संपन्न मानते हैं, आपको लगता है कि दुर्गेश सर से पढ़ेंगे हमें क्लास मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएगा, इनसे प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, विषयवार प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, साथ ही साथ विषयवार के साथ साथ पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी, तो ये आपको पता होता है, इससे बात समझ में आती है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न माना जाता है, क्योंकि वो अपने आसपास जो उपलब्ध संसाधन होता है, चाहे उसके पास नोट्स हो, बुक हो, ई बुक हो, प्रैक्टिस सेट हो, आपके लिए तो यही है, लेकिन छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो उनके लिए जो चीजें होंगी वो उनकी मदद करती हैं, उनके अधिगम को सरल बनाने में ये प्रयास करते हैं कि जो शिक्षक के पास संसाधन होते हैं वो उसका प्रयोग बच्चों के, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में करता है, उसे सरल बनाता है, सुलभ बनाने का काम करता है। इसलिए एनसीएफ 2005 की बात करें तो पहला मेरा सवाल यही है कि एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म क्या है। वैसे एक अध्याय में एनसीएफ 2005 भी पढ़ाऊंगा, आपके सिलेबस में भी है, और अगर बात शिक्षक भर्ती परीक्षा करें या केबीएसई करें तो दोनों में यह काफी अहम रोल निभाता है। में शिक्षक को सुगमकर्ता माना गया, यहाँ पे क्या किया गया, शिक्षक को एक सुगमकर्ता माना गया है, तो चाहे तो आप इसकी भी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। आगे हम बात करते हैं कि शिक्षक सीखने के लिए विद्यार्थियों को कई तरह की सुविधा देता है, ये भी सही बात है, माने शिक्षक बच्चों को कई तरह से सीखने की सुविधा देता है, गाकर, पढ़ाकर, खेल विधि से उसे रुचिकर बनाकर, कहानी के रूप में, कविता के रूप में, पाठ के रूप में, माने एक अध्यापक जो है बच्चों को कई तरह से सीखने की सुविधा प्रदान करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में होता है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसा नहीं लगेगा, लोगों तक पहुंचाइए, लाइक का बटन दबाइए, शेयर करिए, क्योंकि आप भी सुविधा प्रदाता बनिए अपने साथी मित्रों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए। यहाँ पर हमने देखा इस कारण ही उसे शिक्षक को हम सुविधा प्रदाता भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहां से सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। अब हम और आगे चलते हैं।
यहाँ तक किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो बेशक आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, चाहे वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हो। आगे हम देखते हैं कि निम्न बिंदुओं के माध्यम से ये सिद्ध किया जा सकता है कि शिक्षक सुविधा प्रदाता, माने इन निम्नलिखित जो बिंदु हैं उनके माध्यम से ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि शिक्षक एक सुविधा प्रदाता होता है। उसमें पहली हेडिंग आपके सामने है जिसमें दिया है कि शिक्षण सामग्री की सुविधा, ये काफी यूनिक हेडिंग है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि शिक्षण सामग्री की सुविधा में क्या क्या आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, बच्चों के ज्ञान, विद्यार्थियों के ज्ञान सिर्फ मौखिक रूप से ग्रहण करने में कठिनाई महसूस करते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप लाइव लेसन पढ़ रहे हैं, चाहे लाइव क्लास पढ़ रहे हैं, चाहे आप जौनपुर, जैसे आप, अगर बहुत सारे लोग होंगे जो जौनपुर से पढ़ रहे होंगे, तो जैसे मैं पढ़ा दिया, ठीक है, तो जब मैंने पढ़ाया तो आपके पास गया, आपने उसे ग्रहण कर लिया, तो जरूरी नहीं जितना मैं पढ़ाऊं उतना आपको याद हो, तो ये मौखिक हो गया। इसके लिए कहते हैं सर थोड़ा सा धीरे पढ़ाइए, मैं इसे नोट करते चल रहा हूँ, या इसकी स्पीड स्लो करके एक नोट्स बना लेता हूँ। कुछ लोग होते हैं, ठीक है, दुर्गेश सर की लेक्चर हम सुन लेते हैं, बाद में यहाँ से नोट्स ले लेंगे, हमें चीज़ें मिल जाएंगी शॉर्ट में, मार्केट में भटकना नहीं पड़ेगा, ढेर सारी किताबें नहीं खरीदना पड़ेगा, तो ये चीज़ें आपके पास आ जाती है। माने विद्यार्थियों के ज्ञान को सिर्फ मौखिक रूप से ग्रहण करने में कठिनाई महसूस करते हैं, इसलिए शिक्षक बाल केंद्रित शिक्षण सामग्री, जैसे खेल खिलौना हो गया, चाहे बच्चों के लिए करके सीखो, मतलब यहां पे हो जाएगा करके सीखो, बच्चे से करके सीखो पेड़ लगाकर, तो बच्चे इस तरह से सीखते हैं, माने मौखिक रूप से न सीखकर करके सीखने पर सबसे ज्यादा बल देता है, ये एनसीएफ 2005 भी कहता है। माने खेल खिलौना आदि का प्रयोग करके हम बच्चों को सुगमता के साथ साथ आसानी से सरल भाषा में सीखने की सुविधा देते हैं। माने जो एक शिक्षक है वो मौखिक रूप के साथ साथ हमेशा ऐसी शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करता है जिससे बच्चा, बालक आसानी से सीख सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षक क्या है, अतः शिक्षक एक सुविधा प्रदाता हो गया, माने आप एक सुविधा प्रदाता है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसा अभ्यर्थी हो जिसे समझ में ना आया हो तो पूछ सकता है, क्योंकि आपके परीक्षा में यहां से 10 अंक आते हैं और मेरा पूरा टारगेट है कि आपको 10 में 10 पूरे यहां से मिले, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं इसके अगले टॉपिक पर, स्क्रीनशॉट सभी लोग कर लीजिएगा। अगला है आपके पास, शायद आपको दिख रहा होगा, भ्रम दूर करने की सुविधा। सभी को शायद ये पता होगा, यहां पे चीजें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, भ्रम दूर करने की सुविधा। अब बात करते हैं ये भ्रम दूर करने की सुविधा क्या होगी। भ्रम दूर करने की सुविधा में हम लोग ध्यान से देखें, माने विद्यार्थियों के अधिगम के दौरान जब उन्हें सिखाते हैं, कई बार बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, जैसे भर्ती लेट है, भर्ती नहीं आ रही है, हम क्यों पढ़े, अच्छा हमारी परीक्षाएं अभी दूर हैं, अभी मेरा एनुअल एग्जाम नहीं हुआ है, अभी मेरा हाफ एनुअल एग्जाम नहीं हुआ है, तो इस तरह बच्चे भ्रमित रहते हैं। बच्चों को लगता है यार पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप बताइए कि आप एक सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं, अगर मैं आपकी बात करूं तो क्या एक दिन में आप 150 प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं? क्या जितना आपने पढ़ा है क्या वहीं से परीक्षा में सवाल आएंगे? नहीं, ये कतई सत्य नहीं। लेकिन हाँ, लगातार आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपका सफलता तय है, आपका सफल होना तय है, क्योंकि एक दिन में न तैयारी पूरी हो पाएगी, न एक दिन में आपका सिलेबस पूरा हो पाएगा। लगातार आप पढ़ते रहिए, सिलेक्शन आपको होगा, एक न एक दिन जरूर होगा, भर्ती में विलंब होगा, लेट होगा, लेकिन जितना लेट होगा उतने मजबूत होंगे, क्योंकि कुछ लोग टूटेंगे, कुछ मजबूत होंगे, लेकिन जो मजबूत होगा वह आगामी परीक्षा में बेहतर परिणाम देगा और सिलेक्शन लेगा। तो मतलब यहाँ पे एक शिक्षक का काम है बच्चों का भ्रम दूर करना। बच्चे कई बार भ्रमित हो जाते हैं, यार मैं पढ़ूंगा ना पढ़ूं, क्या करो, दुर्गेश सर के नोट्स लो ना पढ़ो, ऐप से क्लासेस पढ़ो कि ना पढ़ो, तो आपका काम उनके भ्रम को दूर करना, सच्चाइयों से रूबरू कराना। तो एक बाल केंद्रित शिक्षक ये सुविधा देता है कि बच्चे उसके पास आकर बिना किसी डर के, भय के, भ्रम को दूर कर ले, जो उनके अंदर भ्रम है उसे दूर कर सके। माने बच्चों के बीच, शिक्षक के बीच जो दायरा होता है वो मित्रवत रहे, माने वो अपनी बातें खुलकर अपने शिक्षक से कह सके, शिक्षक बेहिचक अपने सभी अभ्यर्थियों की, बच्चों की, शिक्षार्थियों की, उनकी समस्याओं को खत्म करे, उनके भ्रम को दूर करे और उन्हें उनके सर्वांगीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। यही जीवन कौशल का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो सिलेबस हम और आप पढ़ने जा रहे हैं। अतः यहाँ पे स्पष्ट होता है कि शिक्षक क्या है, एक सुविधा प्रदाता है, माने आप भी क्या है, एक सुविधा प्रदाता है।
तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए जिज्ञासा शांत करने के सूत्र। देखिए अगर अभी इसकी नोट्स आपको नहीं मिली हो तो अभी तुरंत आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, और वहां पे इस तरह से सर्च करिएगा दुर्गेश सर। तो जैसे आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे आपके सामने इलर्निंग विद दुर्गेश का टेलीग्राम आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब जिज्ञासा शांत करने की सुविधा, माने शिक्षक बच्चों की जिज्ञासा भी शांत करता है। जैसे जिस समय बच्चा पढ़ रहा होता है उसके सामने बहुत सारे सवाल आते हैं, वर्षा क्यों होता है, हवा क्यों चलती है, पत्ते क्यों हिलते हैं, हम हवा को देख क्यों नहीं सकते, सूर्य रोज पूरब में क्यों निकलता है, हमें सरकारी शिक्षक बनने के लिए इलर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स क्यों पढ़ना चाहिए, माने ऐसे बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में आते हैं। इन सभी सवालों को, इन सभी जिज्ञासाओं को शांत करना एक शिक्षक का परम कर्तव्य होता है। माने जिज्ञासा ज्ञान के निर्माण की पहली सीढ़ी कही जाती है। मेरे प्यारे साथियों, यहां से आपके परीक्षा में हुबहू सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी थियरी पढ़ लीजिए, आगे हम इसके एमसीक्यू को भी कराएंगे। माने जिज्ञासा को ज्ञान निर्माण की पहली सीढ़ी कहा जाता है, और बच्चे विद्यार्थी स्वभाव से शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में जिज्ञासु होते हैं। वो सोचते हैं, अच्छा गाय अलग अलग कलर की होती है, भैंस एक ही कलर की क्यों, माने बच्चे के मन में ऐसे सवाल आते हैं। तो हमने देखा कि शिक्षक अपने ज्ञान द्वारा बच्चों की जिज्ञासा को शांत करता है, और हमें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे कक्षा के बच्चे जिज्ञासु हो, वो हमसे सवाल पूछे और आप उनके जिज्ञासा को शांत करें, और यही उनके ज्ञान निर्माण की, उनके सर्वांगीण विकास की पहली पीढ़ी कही, पहली सीढ़ी कही जाती है। इस प्रकार हमने अंत में फिर सीखा कि अतः शिक्षक एक क्या है, सुविधा प्रदाता के रूप में। अतः यह स्पष्ट होता है कि शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में है। अब हम चलते हैं और आगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे करके अब कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। प्रश्न पूछने की सुविधा, अब हम बात करते हैं प्रश्न पूछने की सुविधा में क्या क्या है। जैसे यह आवश्यक नहीं है कि पढ़ाए हुए अध्याय से सभी समस्याओं का समाधान हो जाए, माने जरूरी नहीं है, ये कतई आवश्यक नहीं है कि जितना आप पढ़ाएं वहां से सभी समस्याएं हल हो, मतलब जरूरी नहीं जितना आप पढ़ रहे हैं उतना से आपके परीक्षा में सवाल आ जाए, उतने से आप सिलेक्शन ले लें। इसलिए मैं कह रहा हूं रेगुलर पढ़िए, ये भूल जाइए कि भर्ती कब है, परीक्षा कब है, यह याद रखिए कि जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन आप जीवन कौशल में 10 में 10 और पूरी भर्ती परीक्षा में 150 में कम से कम 140 प्लस करेंगे। यह आपकी मेहनत के बल पर होगा, मेरे मौखिक कहने से नहीं होगा। यदि कुछ समस्याएं रहती हैं तो इस समस्या को दूर करने के लिए बच्चों को प्रश्न पूछने की सुविधा देता है। याद रहे कभी कभी कक्षा को रुचिकर बनाने के लिए, बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी प्रश्न पूछना पड़ता है। जैसे मैं बीच बीच में पूछ देता हूं, जैसे मैंने पूछा कि क्या आपने वीडियो को शेयर किया, आप लोग हाँ यार अभी तो मैंने शेयर नहीं किया, तो आपका ध्यान कक्षा के प्रति क्या होगा, आकर्षित हो जाएगा। तो यही है वह संतुष्ट हो सके, और अतः शिक्षक क्या हो गया, एक सुविधा प्रदाता है। माने जब प्रश्न पूछे बच्चा तो उसका समाधान हो, और जरूरी नहीं है कि जब बच्चा आपसे सवाल पूछे आपको उत्तर पता हो, जरूरी नहीं कि जितना सवाल आप मुझसे पूछे मुझे पता हो या मैं जो आपसे पूछूं आपको पता हो, लेकिन यह जरूर ध्यान रहे अगर आप उस समस्या का हल आपको नहीं पता तो कि ठीक है बेटा आज नहीं कल हम आपको बताएंगे, पढ़कर आएंगे और उसे अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। शालीनता से इस बात को स्वीकार करना चाहिए, मुझे भी जरूरी नहीं है कि जितना आप पूछे वो सभी को उत्तर मुझे पता हो, लेकिन हाँ मैं उसे अध्ययन करूंगा, पढ़कर आऊंगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ऐसा हमने पीछे भी पढ़ा है, आगे भी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि शिक्षक एक सुविधा प्रदाता होता है जो बच्चों के मन में आने वाले सवालों के सभी के जवाब देता है। हम बढ़ते हैं एक और अगले टॉपिक की तरफ, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। आगे कह रहा है कि ध्यान से आप लोग देखिएगा कि पूर्व ज्ञान से जोड़कर नवीन ज्ञान निर्माण की सुविधा। तो आइए इस बारे में हम बात करते हैं। देखिए आप लोग ऑनलाइन क्लास नोट्स के संबंध अगर कोई जानकारी चाहिए तो इलर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर बात करके आप जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लासेज आपके जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से चलती हैं। हम लोगों ने देखा कि पूर्व ज्ञान से जोड़कर नवीन ज्ञान के निर्माण की सुविधा। आप कहेंगे सर ये क्या चीज है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि जब बच्चा आपकी कक्षा में आता है तो वह पूर्व ज्ञान उसके पास होता है और हम उसी के आधार पर उसे नवीन ज्ञान में जोड़ने में मदद करते हैं। यह कौन कहता है यह बात आपका
आपके मन में आएगा ना सर, ये कहता कौन है? ये कहता है आपका एनसीएफ 2005। ये कौन कहता है? ये एनसीएफ 2005 कहता है। ये कौन कहता है? एनसीएफ 2005 ये बात कहता है। कि शिक्षक जानता है कि बच्चों के लिए पूरी तरह से नवीन विषय वस्तु को सीखने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए नवीन ज्ञान को हम पूर्व ज्ञान से जोड़कर सिखाने की सुविधा देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षक एक सुविधा प्रदाता है। मतलब अगर हमने आपसे कह दिया या हमने आपको बताया कि बच्चा जैसे आपकी कक्षा में आता है उसको पढ़ाना है आपको ऊर्जा, कि जो भी चलती है सब चीजें ऊर्जा से, तो ऐसे डायरेक्ट ऊर्जा पढ़ाएंगे नहीं, कहेंगे अच्छा बेटा ये बताओ घर से कैसे आते हो? कहेगा सर साइकिल से। साइकिल कैसे चलती है? कहे सर पैडल मारते हैं तो साइकिल चलती है। पूछेंगे बेटा ये बताओ ये जो मोटरसाइकिल है ये कैसे चलत है? तो लड़किया कहे अरे सर जी उस पेट्रोल से चलत है। कहे डीजल से चलत है। कहे अच्छा बताओ पंखा किसे चलत है? तो कहे सर जी पंखा लाइट से चलत है, लाइन से चलत है। अच्छी बल्ब किसे चलत है? कहेगा सर जी ये लाइट बिजली से चलत है, अगर बटन बंद कर दो पुट्ट से तो लाइट बंद हो जाए। तो फिर अच्छा हम किसे चलते हैं? तो कहेगा भोजन से। तो अच्छा हाँ सर जी हम लोग भोजन से, मन जैसे इन सबको चलने के लिए चाहिए वैसे हमें चलने के लिए क्या चाहिए? भोजन। तो भोजन से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अब बच्चा समझ गया, हमने क्या किया? हमने उसकी पूर्व ज्ञान से जोड़कर उसे नवीन ज्ञान के निर्माण की सुविधा दी। तो आप लोग चाहे तो इसकी भी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अगला है आपके सामने उपयुक्त शिक्षण विधि। अगली हेडिंग है आपके सामने उपयुक्त शिक्षण विधि। आइए ध्यान से देखते हैं ये उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है। ये भी आपकी परीक्षा में है, सिलेबस में। माने शिक्षक सिखाते समय बच्चों को उनके उपयुक्त शिक्षण विधि, जैसे इंद्रिय आधारित शिक्षण विधि हो गया, खेल विधि हो गया, इन सभी का चुनाव करते हुए बच्चों को आसानी से सीखने की सुविधा देता है। माने जो शिक्षण विधियां हैं ये हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें ऐसी ही शिक्षण विधि का प्रयोग करना है जिससे आपके कक्षा का बच्चा सीख सके, आपके कक्षा का बालक सीख सके। हमेशा हम वही चीज कंटेंट लाते हैं जैसे आपके परीक्षा में सवाल आ सके। हम नोट्स में वही मैटर देते हैं जहां से सीधे सीधे आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाए। इसलिए कहता है कि शिक्षक को सुविधा प्रदाता, इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षक क्या है? एक सुविधा प्रदाता। मतलब इस प्रकार में कह सकते हैं कि शिक्षक क्या है? एक सुविधा प्रदाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक क्या जो आपके कॉन्सेप्ट थे वो पूरी तरह से समझ में आ चुके होंगे। अब हम और आगे चलते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर सुरक्षित रख लीजिएगा। आगे हम लोगों ने देखा उदाहरण द्वारा सीखना। हम लोगों ने देखा कि उदाहरण द्वारा सीखने की सुविधा, माने कभी कभी क्या होता है कई बार बच्चों को किताबी शब्द जटिल लगते हैं, वो लगता है अरे यार कहां से आ गए। तो ऐसे में एक शिक्षक का एक कर्तव्य होता है कि जीवन से संबंधित उदाहरण दे, माने उनके आसपास की जो चीजें हैं उनकी उदाहरण दे, तो बच्चा क्या होता है जल्दी सीखता है। ये भी कौन कहता है? ये एनसीएफ 2005 कहता है। ठीक है, अब देखकर बच्चों को सीखने में आसान तरीके अपनाने की सुविधा, माने इस तरह से कह के हम प्रयास करते हैं कि बच्चे आसानी से सीख सके। इस प्रकार हमने फिर देखा कि शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में, माने शिक्षक क्या है? एक सुविधा प्रदाता के रूप में है। इतनी सारी चीजों के द्वारा हमने स्पष्ट किया, हमें उन्हें एग्जाम्पल देना है, हमें उन्हें क्या करना है तथ्यों के और सरल बनाना है ताकि वो आसानी से सीख सके। अब हम और आगे बढ़ते हैं, यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न है कोई सवाल है तो जरूर पूछेंगे। आगे हम लोग देखेंगे, अगली हेडिंग है त्रुटि एवं प्रयास द्वारा सीखने की सुविधा। देख रहे एक सब हेडिंग है, एक एक करके हम लोग पढ़ते चलेंगे और आगे भी बढ़ेंगे ताकि आपका भी सिलेक्शन हो सके। इसलिए मैं अपने बचे हुए समय से आपको भी अपना वक्त देता हूं ताकि आप भी देश निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सके। शिक्षक जानता है कि अधिगम के प्रारंभ में सभी त्रुटियां करते हैं, माने क्या होता है जब अधिगम शुरू किया जाता है तो उसमें लगभग लोग त्रुटियां करते हैं, इसलिए वह अपने विद्यार्थियों से संपूर्णता की उम्मीद ना करें। मतलब ऐसा ना हो कि जो आपकी कक्षा में बच्चा है वो कुछ सर्वज्ञ हो, माने वो कुल जानत हो, ऐसा नहीं है। त्रुटि करते हैं, गलती करते हैं, कभी कभी नोट्स में भी देखेंगे छोटी मोटी त्रुटियां आपको मिल जाती हैं, तो क्लास में कभी मिल जाती है, आपसे भी त्रुटियां हो जाती हैं। तो त्रुटि ही सीखने का मौका देती है। क्या थॉमस अल्वा एडिसन सर जो थे एक ही दिन में बल्ब बना लिए थे? गलती करते गए सीखते गए, गलती करते गए सीखते गए, आज हम बल्ब जलाते हैं आसानी से। तो मनुष्य भी क्या करते हैं, जैसे पहली बार अपने साइकिल चलाया था कि पहली बार में चला लिया था, पहले समझ में नहीं आता यार ऊपर देखे कि नीचे देखे, पैडल देखे कि सामने देखे, लेकिन कई बार आपने प्रयास किया, कभी लड़ गए भिड़ गए गिर गए, फिर धीरे धीरे करके क्या होता है आप साइकिल आसानी से चला लेते हैं। तो
क्या होता है, गलतियों से ही मनुष्य सीखता है। माने शिक्षक भी यह जानता है कि अधिगम के शुरुआत में सभी त्रुटियां करते हैं, इसलिए वह अपने बच्चों से संपूर्णता को उम्मीद न करे, त्रुटि एवं प्रयास द्वारा सीखने की सुविधा देता है। अतः शिक्षक एक सुविधा प्रदाता है। यही बात स्पष्ट हुआ कि अध्यापक को भी चाहिए, बच्चा आज त्रुटि कर रहा है, कल त्रुटि कर रहा है, धीरे धीरे क्या करेगा, सीख लेगा। क्या पहले दिन में क बनाना सीख लिया था, क्या पहली बार उसने गिनती लिख लिया, यहाँ तक कि बच्चे शुरुआत में चप्पल भी उल्टा पहनते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उनको समझ में आ जाता है, वो चप्पल सीधा पहनना शुरू करते हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला है समूह वार्तालाप की सुविधा। ये समूह वार्तालाप क्या है, माने बच्चों प्रायः क्या होता है, अपने मित्र मंडली होता है, जैसे कहते हैं सर पानी पीने जाए तो एक साथ दो बच्चे जाते हैं, वो उनका एक समूह होता है, तीन बच्चे कहेंगे बैठो, तो एक लोग जाएंगे कहेगा सर अभी हम नहीं जाएंगे, मतलब जाएंगे तो तीन हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, वरना एक नहीं जाएगा। तो ये भी मैंने प्रैक्टिकली रूप में भी देखा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि समूह वार्तालाप, शिक्षक बच्चों के छोटे छोटे समूह बनाकर आपसी वार्तालाप की सुविधा देता है। बच्चे अपने घर के बातें, अपने पड़ोस की बातें कह पाते हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चों के मन में शब्द भंडार बढ़ते हैं। लोग कहते हैं वो घर की बात कर रहा है, कहते हैं चल छुट्टी हुए चल आम तोड़ा जाए, तो आम तोड़ा जाए मतलब वो संगठित बनाएंगे, उसमें प्लान बनाएंगे, फिर स्कूल से निकलेंगे, आम के बगीचे में जाएंगे, पत्थर इकट्ठा करेंगे, आम तोड़ेंगे, खाएंगे, तो उससे उनके अंदर क्या होता है, उनका भी सर्वांगीण विकास होता है। तो समूह वार्तालाप का भी ग्रुप बना दिया जाता है, तो बच्चे क्या होता है कि उससे भी सीखते हैं, जैसे कभी टूर जाता है तो टोली बना दी जाती है, तो बच्चे क्या होते हैं समूह से भी सीखते हैं। कभी कभी होमवर्क नहीं पूरा होता तो एक दूसरे से मदद ले लेते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों को सिखाना, इससे हम कह सकते हैं शिक्षक की सुविधा प्रदाता के रूप में होता है। आइए कुछ सब हेडिंग है, इनको भी देखते हैं, इनको भी हम डिफाइन करते हुए चलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, रुचि के अनुसार शिक्षण, मतलब हमेशा हमें भी यह प्रयास करना चाहिए कि बच्चों को वही शिक्षण करना चाहिए जिनमें उनकी रुचियां हो। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपका काम है कि कक्षा कक्षा में पहुंचे, जो आपने प्लान बनाया कि आज जाएंगे बच्चों को जीवन कौशल पढ़ाएंगे, जैसे मैंने प्लान किया, जैसे ही कक्षा कक्षा में प्रवेश किया बच्चे ने कहा सर पढ़ने का मन नहीं है, तो ठीक है बेटा नहीं पढ़ने का मन, बताओ क्या करें, तो कहेंगे सर खेलना है, तो वही कॉन्सेप्ट उनको खेल विधि से पढ़ाइए, या कभी कभी कहानी सुनाइए, उन्हें कविता सुनाइए, माने शिक्षण रुचिकर हो सके, इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षक एक सुविधा प्रदाता होता है। आगे है सलाह की सुविधा। आपके मन में आएगा सर सलाह, माने कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चों को आपकी सलाह की जरूरत होती है, जैसे अभी पूछे सर परीक्षा भी कुछ दिन के बाद है, शिक्षक भर्ती परीक्षा, तो मैं क्या करूँ, तो आप उसको सही सलाह दीजिए कि देखिए 150 नंबर की परीक्षा होगी, चाहे केवीएस हो चाहे आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा, क्या आपकी एक दिन में तैयारी हो पाएगी, अगर आज आप थक हार कर बैठ जाएंगे तो कल आपको ही पढ़ना पड़ेगा, कल आपको ज्यादा बर्डन होगा, कल आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, अब लोग ज्यादा हैं, पद कम है, एक पद पे 10-10 उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, तो कैसे आपको नौकरी मिलेगी, इसलिए आपको निरंतर पढ़ते रहना है। बहुत बार आप टूटेंगे, बहुत बार आपको लगेगा अब नहीं होगा, लेकिन फिर इस उम्मीद से उठेगा कि आपके माँ बाप का एक भरोसा आप पे है, उसको पूरा करना है, तो आपको सलाह भी देते रहना है और उन्हें मोटिवेट करते रहना है। और सलाह कभी पढ़ने को लेकर है, कभी विषय समझ में नहीं आ रहा है, कभी सर घर से विद्यालय दूर हम कैसे आएंगे, तो मतलब इससे हम कह सकते हैं कि शिक्षक एक सुविधा प्रदाता है। आगे बढ़ते हैं संप्रेषण की सुविधा। माने हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि दोनों में कम्युनिकेशन अच्छा हो, माने जो आप पढ़ा रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो बच्चा समझ रहा है, जो आपका बच्चा बोल रहा है वो आपको समझ में आ रहा है, तो कम्युनिकेशन जो वो दोनों में सही होना चाहिए। आगे सही रास्ता, परामर्श देने की सुविधा, मतलब अब यहां पर उनको सही रास्ता दिखाना है कि देखो अगर गणित नहीं आती तो इस तरह से पढ़ो, आप सबसे पहले सरल प्रश्न को हल करो, फिर कठिन की तरफ बढ़ो, फिर ये प्रयास करो परीक्षा में कैसे सवाल आते हैं। कुछ लोग होता है कि सर हमारी मैथ वीक है, मैं कैसे सरकारी शिक्षक बनूंगा, तो नहीं परामर्श दीजिए कि डरिए नहीं, आप धीरे धीरे सीखिए, अन्य विषयों पर अपनी कमांड करिए, जैसे जीवन कौशल 10 में 10, शिक्षण कौशल 10 में 10, CDP 10 में 10, बाकी दुर्गेश सर के जो विविध की क्लास है पढ़ी 30 नंबर वहाँ से पक्के, GSG के करंट की 50 नंबर की जो सीरीज है वो दुर्गेश सर की पढ़ा लिए, वहाँ से आपके मार्क्स पूरे हो जाएंगे। तो मतलब सही रास्ता परामर्श भी देना होता है, इसलिए कहा जा सकता है कि शिक्षक एक सुविधा प्रदाता है। आत्म प्रकटीकरण की सुविधा, माने अपने मन की बात भी आप कह सके, बच्चा भी अपनी मन की बात कह सके और आप उन्हें प्रकट करें, और उसको भी जैसे कभी कभी बच्चा होता है सर जब हम पत्थर फेंकते नीचे क्यों आता है, तो हंसिए मत, अगर अपनी बात प्रकट कर रहा है उसे ध्यान सुनिए, बताइए हाँ ऐसे ऐसे होता है, तो मतलब बच्चा कभी
आपके कक्षा में यह महसूस नहीं करेगा, गिल्टी की भावना उसके अंदर नहीं आएगी। निदेशन, अब कभी कभी इसको जरूरत पड़ती है कि यार सर ऐसे करते हैं, ऐसा हो जाता है, फिर मुझे क्या करना चाहिए, तो निदेशन भी एक अध्यापक को देना है। इससे कह सकते हैं कि शिक्षक क्या है, एक सुविधा प्रदाता है, उसे वो करके बताएगा, दिखाएगा, कहीं कहीं दूसरे एग्जाम्पल भी ला के देगा। तो इस प्रकार हम फिर कह सकते हैं कि अतः शिक्षक एक सुविधा प्रदाता है। आगे बात करेंगे मंच देने की सुविधा। मतलब कभी कभी क्या होता है, जैसे कक्षा में आपकी कोई कविता कहानी बनाओ और बेटा और तुम बताओ करो, और बेटा सवाल लगा के दिखाओ बोर्ड पे, तो ऐसे क्या होता है, बच्चों को मंच दीजिए। कुछ बच्चे होते गुमसुम सा पीछे बैठे होते हैं, बोल नहीं पाते, संकोची किस्म के होते हैं, कहते हैं आए बैठे पढ़े फिर पढ़कर चले गए। तो उन्हें मंच दीजिए, उन्हें प्रोत्साहित करिए, उन्हें बोलने के लिए कहिए, अपनी बात रखें। और बच्चों को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चे करके सीखे, मैंने हमेशा ये प्रयास करना है जो आपके कक्षा कक्ष के बच्चे हैं वो करके सीखने पर बल दे। चाहे जैसे पेड़ कैसे बड़ा होता है, तो पहले बीज लगाएं, देखिए प्राणकुर किधर गया, मूलांकुर किधर गया, इन तथ्यों पर हमें बच्चों का ध्यान आकर्षित करना है, फोकस करना है, बच्चे करके सीखे। जैसे मिट्टी का घड़ा बनाए, तो हमेशा ये प्रयास हमें आपको करना चाहिए कि बच्चे करके सीखने पर बल दिया जाए। इसलिए कहा जा सकता है कि शिक्षक एक सुविधा प्रदाता होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी जो पीडीएफ होगी टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करिएगा दुर्गेश सर सर्च करके, इन लर्निंग विद दुर्गेश पर। जो आपको अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और प्ले स्टोर से इन लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको सभी क्लासेज मिल जाएंगी। ये सभी क्लासेज आपको निःशुल्क देशहित में राष्ट्रहित में मिल पाती हैं। और अगर नोट्स या क्लास संबंधित कोई जानकारी चाहिए थी, इन लर्निंग विद दुर्गेश का ऑफिस का नंबर है, जहां पे मैं गेस्ट के रूप में आपको क्लासेज अपने बचे हुए समय में पढ़ा देता हूं, ताकि आप भी देश निर्माण में भूमिका अदा कर सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। क्लास कैसी लगी कमेंट करिएगा, और आपकी तैयारी कैसे चल रही है आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपकी अंतरात्मक है, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने साथी मित्रों तक, अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर, फेसबुक पे देख रहे हैं फेसबुक पे शेयर करिएगा, जहाँ भी देख रहे हैं वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि लर्निंग विद दुर्गेश के सब्सक्राइबर भी बढ़ते रहें और लोगों तक चीज़ें पहुँचते रहें। थैंक यू, ठीक है। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ